अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहें, शाद रहें और बाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड समोसा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। आपने लाजमी बनाना, मुझे कमेंट में बताना। आगे जाके देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्यारी सी टेस्टी सी मज़ेदार सी समोसा। ये देखें जी, मैं अब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने प्यारे बने हैं। आपने ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आज हम बना रहे हैं ब्रेड समोसा। सबसे पहले हम ब्रेड समोसे के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। चलें जी, अब आप अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल के, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसे हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। ये देखें जी, गोल्डन ब्राउन, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने इसे हलाते जाना है। ये देखें, चिकन ने अब अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसे ड्राई करूंगी, तो फिर इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे, नमक मिर्चें। अभी मैंने इसे अभी 5-10 मिनट इसका भूनना है और इसका पानी ड्राई करना है। देखें, जब इसमें हल्का हल्का सा पानी है, अब हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। स्पाइसी अपनी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दरदरा ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेस्ट के मुताबिक हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने इसे मिक्स कर लिया है। पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसका, चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एक छोटी सी मैंने गाजर ले ली है, वो भी मैंने क्रश कर ली है। आधी कैप्सिकम ली है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है। अब हम इस सब चीज़ों को ऐड कर देंगे कीमे में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब ये हमारी जो फिलिंग थी रेडी हो गई है। अब हम इसके जैसे आँच गैस की बंद कर देंगे। ये फिलिंग ठंडी होती है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ना ब्रेड लेनी है, सैंडविच ब्रेड हमने लेनी है। फिर हमने उसे बेलन से बेल लेना है। ऐसे हमने इसे बेल लेना है, इसके ऊपर किनारे तक ले हैं। फिर हमने इसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। हमने दबा के इसे बेल के रोटी की मानद बना लेना है। ये देखें, अब मैंने इसे रखना है। मेरे पास यही बड़ा बोल था जिसके ये ऊपर पूरी आ रही है। ये देखिए, चारों तरफ किनारों पे पूरी है। अब हमने इसे छुरी से लेना है और ऐसे करके काट देना है। ये देखें, ऐसे ऐसे करके ऐसे काट देना। ये देखें, इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। हमें इसे ज़ाया नहीं करना, रिज़्क़ को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। रमज़ान की इतनी रहमतें और बरकतें हैं कि हम अपने घरों में मसरूफ़ रहते हैं, कभी नमाज़ पढ़ते हैं, कभी कुरान पाक और कभी अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। अभी देखिए, ये बन गया। ये मुझे तो नज़र नहीं आया। चलें जी, अब मैंने इसे पकड़ के ब्रेड क्रम्ब वाली प्लेट में रख देना। अब इसे ऐसे ऐसे दबा के आपने कर लेना, बिल्कुल पतली सी रोटी बन जाए। कर लिया। अब हमने इसे दरमियान से काट लेना है।
अब हमने पकड़ना है इसे, इधर देखे ऐसे और ऐसे करके बना लेना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे पानी, थोड़ा पानी लगा लिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे, आपने इसके ऊपर इतनी चढ़ा लेनी है, ये इतनी से इतनी चढ़ा ली है हमने। अब हमने अपनी पूरी उंगली जो है ना नीचे इसे दबा लेना पहले, फिर हमने पूरी अपनी फिंगर को नीचे रखना है और उससे इसे ऊपर से दबाना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पॉकेट बन गई है। अब हम इसको फिलिंग करेंगे, ये देखें जब हमने जो फिलिंग बनाई थी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हमने फिर इसको पानी लेना है, अपनी पूरी ब्रेड को ना नमी दे देनी है। ये देखें जी, अब हमने इसे पकड़ के ऐसे दबाना है हाथों से। ये देखें, एक उंगली पीछे है एक आगे है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कितना प्यारी समोसी सी बन गई है। ये देखें ज़रा, अब हम इसी तरह दूसरी बना लें। हमने इसे पानी में डिप किया फिंगर को और ब्रेड के ऊपर लगाया। ये देखें जी, ये हमने इसे दबा लेना है इधर से। अब अपनी फिंगर हमने ये देखें नीचे से नज़र आ रही है, इसे करके ऊपर से दबाना है, फिर इसे नीचे किया फिर ऊपर से दबा देना है। ये देखें जी, हमने ऐसे दबाते जाना है, ये टाइट कर देनी है, ये पॉकेट बन गई है। अब हम इसमें फिर फिलिंग ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमने फिर इसे पानी लगाना है इधर, ज़्यादा पानी लगाना है अपने, थोड़ा सा जो ब्रेड जो है गीली हो जाए और आपस में चिपक जाए। फिर हमने इसे पकड़ना है, ऐसे दबाया ऐसे दबाया। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए, ये देखिए जी, मैंने इसी तरह सारे बना लिए हैं। अब हम अपने अगले स्टेप पर चलेंगे। ये देखें जी, मैं दो अंडे लेके फेंट लिए हैं, अब मैंने इसमें ये डाल दिया। ये देखें पलटा, अब इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। मेरे सूखे हाथों के साथ आपने कर लेना है। आपने सूखे हाथों से करना है, दूसरा हाथ आपने इसके साथ डिप नहीं करना अंडे के साथ। देखें जी कितना अच्छा कितना, ये देखें जी सारे मैंने लगा लिए हैं इसी तरह। हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। लेकिन जब अपने तेल को देख लेना है, ना ज़्यादा फ्लेम इसकी नीचे तेज़ हो, ना ज़्यादा कम हो, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा। अब हम इसमें इसे ऐड कर देंगे, घी में से ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सही है। लेकिन अब हम साइड चेंज करेंगे। ये देखेंगे हमारे ब्रेड समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे। अगर मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।